शिवानी जो है 2 बजे के बाद अपने माँ के पास से निकल जाती है। आखिर क्या कारण है? चले बेटी के रात में रहे हैं। हाँ, रात में घर में चले 3 बजे सब खोजे थे। अरे उसको काल आ गया, उसको घर में कुछ टेंशन नहीं था। खाना खा लिया के लाए इंटर का फर्स्ट डिवीजन में कितना बढ़िया से पढ़िया फैजूसा नया नाम लिखवाए नाम लिखवाया कुछ नहीं लिखा है घर में नहीं चले घर में नहीं चले तो आज सुबह में 17 वर्षीय एक युवती शिवानी कुमारी का लाश जो है मधुबनी के शिव सागर पोखरा से मिलती है। और इस लाश को लेकर के पूरे मधुबनी में तहलका मच जाता है कि आखिर ये लाश किसका है। उस बच्ची की लाश जो है सो शिव सागर पोखरा में है, वहाँ जा कर के देखते हैं तो परिवार के लोग भौचक हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं और इस घटना को लेकर के परिवार जो है सो सदमे में है। आपको बता दें कि शिवानी इसी वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वहीं आपको बता दें कि शिवानी के बारे में परिवार के लोग बताते हैं कि रात में खाना पीना खा करके माँ के पास सोई थी। माँ के पास सोने के बाद रात 2 बजे माँ के पास से वो निकल जाती है, जैसा CCTV के माध्यम से उनके निकलने की जो है तस्वीर जो है सो कैद है। बता रहे हैं कि परिवार के लोग कि शिवानी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, रात में परिवार के लोगों के साथ में खाना पीना खाई है। अब क्या कारण है कि रात 2 बजे माँ के पास सोई हुई थी और माँ के पास से उठ करके शिव सागर पोखरा में उनकी लाश मिलती है। अब सुसाइड किया है या कोई उनको मार करके फेंक दिया है, इस मुद्दा को लेकर के छानबीन करने की जरूरत है कि आखिर उसकी मौत हुई है या खुद वो आत्महत्या पोखर में जा करके की है। उनकी माँ को 3 बजे आभास होता है कि हमारी बेटी हमारे पास में नहीं है। उसके बाद परिवार के लोग छानबीन करने लगते हैं, खोजबीन करने लगते हैं, जगह जगह जाते हैं लेकिन शिवानी नहीं मिलती है। सुबह में 7-8 बजे तक खोजबीन करते हैं, स्थानीय थाना में जाकर के पता करते हैं लेकिन थाना वाला भी कुछ जानकारी नहीं देते हैं। जहाँ जिस पोखरा में उसकी लाश मिली है उस पोखरा के बगल में कोयला कारखाना है, कोयला में काम करने वाले मजदूर देखते हैं कि पोखरा में लाश जो है सो तैर रही है। उसके बाद वो हल्ला करते हैं, देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में जो है वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ हो जाती है। घंटों तक उस लाश के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद कानों इस बात की खबर पूरे मधुबनी में फैल जाती है और परिवार को जब पता चलता है कि एक युवती की लाश जो है सो शिव सागर पोखरा में है, तब यहाँ के परिजन जो है सो हकासल पियासल यानी दौड़ते हुए उस पोखरा के पास में जाते हैं और देख करके अचंभित हो जाते हैं कि उनकी बेटी का लाश जो है सो इस पोखरा में पड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर शिवानी जो है अपने माँ के पास से उठ करके पोखरा के पास में क्यों गई? या तो कोई उसको लेकर के वहाँ तक गया है, उसके साथ में कुछ अभद्र भी हो सकता है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि जिस परिस्थिति में उसकी लाश वहां गई है, सुसाइड का मामला भी हो सकता है, हत्या का मामला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जांच करने की जरूरत है कि आखिर मामला क्या है। आपको बता दें कि शिवानी की उम्र जो है लगभग 17 वर्ष है। शिवानी के परिवार के लोगों से हम जानकारी लेंगे, जिस परिवार में हादसा हुई है उस परिवार के लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या है। चलिए हम इस घटना के संदर्भ में परिवार के लोगों से जानकारी अपडेट कराते हैं। कुछ छोड़े नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, यहाँ बच्चा चले जब बच्ची वहाँ बेटी मिलना है और साथ में कौन तक घटना भेजे थे तक नहीं तो पोखर में गली है डूब गली है कि कोई मार कर एक देर के या कुछ भेले ऐसे तो भेले थे ना कुछ नहीं भेले कखन से मिस से कखन से मिस रात में रहे हाँ रात में घर में चले 3 बजे सब खोजे थे। अरे उसको काल आ गया, उसको घर में कुछ टेंशन नहीं था, खाना खा लिया बैठल रहता है
तो अपने से लग रहा है। आप देख सकते हैं बेटी की याद में किस प्रकार से रो रही है, वो आप देख सकते हैं। बता दे कि शिवानी जो है सो रात में साथ में खाना पीना खाई है, सोई है, उसके बाद जो है शिवानी जो है 2 बजे के बाद अपने माँ के पास से निकल जाती है। आखिर क्या कारण है? खाना खेल के मिले की मौसी छे लास्ट जैसे शिव सागर पोखरे मिली है, एक कारण की छे क्या बज रहा है तुम निकल गए? अब 3 बजे केना बुझले 3 बजे के लिए से घर में नहीं छे ना, घर में नहीं छे तो खोजी गेल के लिए गेट खोलन देखल के या सीसीटी कैमरा में देखल के देखल के मर गेल या अपना हमरा से स्टेशन स्टेशन पर खोजी करे। अच्छा अच्छा कोई क्लास में पढ़े छे बच्चा इंटरमीडिएट भी सब की नाम छे बाबू के शिवानी जैसे से खोजल रात में खोजली यहां सब जगह जगह खाना में गेले खाना कर के में गेले तो कि तो की तो कि भी करते अच्छा अच्छा पता चले पोखरी में लाश मिले से जानकारी कोना मिले परिवार के? अच्छा गुस्सा के चल गए तो आप देख सकते हैं ये इनकी मौसी है। मौसी ने जिस प्रकार से बताया कि रात में खाना पीना खाई है, सोई है माँ के पास में, और 2 बजे के बाद जो से निकल जाती है 3 बजे लोगों को पता चलता है कि आखिर कहाँ गई है। लोग छानबीन करने लगते हैं, सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो वो जाती हुई दिख रही है।